सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम प्रामाणिक एंड मैं एक फ्रीलांस मोशन डिज़ाइनर हूँ। बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लिया है। इधर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय क्रिएटिंग अ न्यू कंपोजिशन। सो आप इधर क्लिक कर सकते हैं और आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस कीजिए कीबोर्ड में, तो आपका न्यू कंपोजिशन का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप कंपोजिशन का नाम सेट कर सकते हैं। मैं यह सेट करता हूँ फाइनल कॉम्प एंड मेरा हाइट एंड विथ होगी 1920x1080, दैट्स फाइन। आप चाहिए तो कुछ भी सेट कर सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं। इधर 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, ओके। ड्यूरेशन 10 सेकेंड्स में भी ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टेक्स्ट लिख लेंगे इधर। लेट्स से मैं इधर टाइप करता हूँ मोशन, और मैं यूज़ कर रहा हूँ रेलवे ब्लैक। आप कुछ भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। एंड फॉन्ट को हम लोग सेट कर लेते हैं 200 और मे बी 150। इसको अलाइन कर लीजिए प्रॉपरली इन द सेंटर। टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, मे बी 180। या ये अच्छा लग रहा है। तो सो अभी हम क्या करेंगे, इसको ना हम लोग एक प्री कॉम्पोज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम इन फ्यूचर कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो प्री कॉम्पोज करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड सी टू प्री कॉम्पोज। आप नाम दे दीजिए इधर, मैं नाम देता हूँ मेन टेक्स्ट। इन फ्यूचर क्या होगा, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है ना, बस इसके अंदर जाके अगर आप चेंज करेंगे तो इधर ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। डुप्लीकेट को क्रिएट करने के लिए प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस डी, सो इट विल क्रिएट अ डुप्लीकेट। और मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा माफ़ कर दीजिए। मैं धीरे धीरे हिंदी को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ और मैं जल्दी इसको सीखने की भी कोशिश करूँगा ताकि मैं अच्छी तरह से हिंदी बोल पाऊँ। सो वीडियो का आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हमने दो कॉपी बना लिया है। देन हम लोग सिलेक्ट करेंगे हमारा मास्क टूल। अगर आप ये कंपोजिशन को सिलेक्ट करते हुए ये टूल सिलेक्ट करते हैं तो ये मास्क क्रिएट करता है। अगर आपको इसको छोड़कर ये सिलेक्ट करते तो ये शेप क्रिएट करता है। सो हम लोग को इधर मास्क क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट कंपोजिशन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देन हमें क्या करना है, हमें एक मास्क क्रिएट करना है ओवर द टेक्स्ट। और एक चीज़ इधर करते हैं, हम लोग टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। हमने इधर रेड सेट कर लिया है और अब मास्क क्रिएट करते हैं। सो मास्क क्रिएट करने के लिए हमें इसका सेंटर पॉइंट से मास्क क्रिएट करना पड़ेगा, दो मास्क क्रिएट होगा। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाके ग्रिड ओपन कर लूँगा। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर, तो उससे क्या होगा, ये रूलर आ जाएगा और आप इधर से इसको ऐसे ड्रैग कर सकते जो कि एक आपको गाइडलाइन देगा। इससे क्या होगा कि मुझे एक गाइडलाइन मिल जाएगा तो मैं इजीली मास्क क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा मास्क रेडी हुआ। और नीच के पोर्शन को भी हमें इसी तरह से मास्किंग कर लेनी है। ये हो गया हमारा मास्क रेडी। अब हमें क्या करना है, बीच में जो हमें टाइप करना है उसको सेट कर लेंगे। तो मैं टाइप कर लिया डिज़ाइन, ये हमारा बीच में आने वाला है ओके। एंड इसको भी हम लोग प्रीकंपोज कर लेंगे ताकि इसको भी बाद में हम चेंज कर सकें। सो कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्रीकंपोज एंड इसको नाम देते हैं मिडिल टेक्स्ट। इससे हमें बाद में चेंज करने में आसानी होगी। अब क्या करना है, हमें इसका एनिमेशन को रेडी करना है। तो हम लोग जाएंगे 15 सेकंड्स पे और हमारा दो जो मेन टेक्स्ट लेयर है उसको सेट करेंगे। प्रेस पी, देन इसका पोजीशन का की फ्रेम हम लोग सेट कर लेते हैं और इसको हमें एनिमेट करना है। तो इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग कर लेते हैं और इसको थोड़ा नीचे। ट्राई कीजिए कि इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सिमेट्रिकल रहे तो अच्छा दिखेगा। अब हमें क्या करना है,
जो मिडिल वाला टेक्स्ट है ना, इसको हमें एनिमेट करना है। इसका हम लोग ओपासिटी जो है उसको एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए टी प्रेस कीजिए और क्रिएट अ कीफ्रेम बाय प्रेसिंग ऑन द स्टॉपवॉच आइकन। देन हमें बीच में जाना है, उसको ज़ीरो कर देना है। तो एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि इसका कैसा आता है एनिमेशन, बाद में देखेंगे। हम इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बस फ़िलहाल के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो एक्सेंट है वो प्रिपेयर करना है। पेन टूल को सिलेक्ट करना है, इसको कहते हैं पेन टूल। जो फिल है वो हमें ऑफ कर देना है, नन पे सेट करना है, और स्ट्रोक को हमें सॉलिड पे लेना है। देन उसको हमें वाइट कलर पे चूज़ करना है, एंड स्ट्रोक का विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर सही है, तो मैं वही रखता हूँ। अभी हमें इसको ड्रॉ करना है, तो मैंने इधर एक स्ट्रोक ड्रॉ कर लिया है, और जो भी है उसका सेकेंड स्ट्रोक भी हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए और एक स्ट्रोक थोड़ा छोटा शिफ्ट प्रेस करे हुए और एक छोटा हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो नया नाम दे देते हैं इनका, ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। रेड लाइन मैंने दे दिया, और इसको दिया वाइट लाइन, ठीक है। और रेड लाइन को हम एक फिल इफेक्ट दे देते हैं, ताकि इसका जो कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है। अब वाइट को थोड़ा और पास लेके आते हैं, ताकि वो ठीक तरह से मैच हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें जो रेड लाइन है इसको हमें एनिमेट करना है। तो उसके लिए हम इधर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू में, और जाएंगे ऐड पे। देन हमें जाना है ट्रिम पथ ऑप्शन पे, तो क्लिक करते हैं ट्रिम पथ ऑप्शन। देन इसको ओपन करते हैं, और देखिए इधर आप देख सकते हैं, जो अगर हम लोग इसको वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये एनिमेट होता है। अब हमें की फ्रेम एक्टिवेट करना है इधर, और इसको एनिमेट करना है। तो हमारा जो एनिमेशन होगा वो होगा ज़ीरो से स्टार्ट। तो क्लिक कीजिए एंड पे, देन आगे जाइए थोड़ा 15 फ्रेम्स, और इसको 100 कर दीजिए। अब सेम हमें स्टार्ट को भी करना है, थोड़ा इसको इधर पे लेके आइए और इसको कर दीजिए ज़ीरो। तो देखिए इसका जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से आता है। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे की फ्रेम्स को, और जाएंगे वाइट वाले लाइंस पे, और सेम पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल वी टू पेस्ट इट। देखिए अब ये दोनों ही जो लाइन है एक्सेंट लाइंस, वो एनिमेट होना स्टार्ट हो गए। सो अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि जो की फ्रेम्स हैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम F9 प्रेस करेंगे और जाएंगे ग्राफ एडिटर में। आप इधर देख लेना कि आपका जो ग्राफ है वो स्पीड ग्राफ पे सेट हो, ना कि वैल्यू ग्राफ पे। तो स्पीड ग्राफ पे सेट होना चाहिए। देन इसको जो की फ्रेम्स है उसका एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, और उसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमको ये जो एनिमेशन है बहुत ही स्मूथ मिलेगा। अब हमें सिमिलर जो ये एक्सेंट लाइंस है वो क्रिएट करना है नीचे की तरफ। तो इसका एनिमेशन स्टार्ट होता है इधर से, तो हम इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। तो क्रॉप करने के लिए ऑल्ट प्लस लेफ्ट ब्रैकेट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो है हमारा राइट साइड का हो गया है। अब हमें सेम क्या करना है, लेफ्ट साइड में भी बनाना है। तो इधर इस तरह होगा। तो इसके लिए हम ये दो जो एक्सेंट लाइन है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका डुप्लीकेट बनाते हैं। तो उसके डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी अगेन, एंड देन उसको ड्रैग कीजिए ऊपर की तरफ। देन जो है इसका जो है इसका हमें रोटेशन को सेट करना है 180 डिग्री पे। आप देख लेते हैं इसका पोजीशन। सो 180 डिग्री पे सेट कर दिया। उसके बाद इसका पोजीशन को चेंज करना है थोड़ा बहुत, और आई थिंक ये हो गया। अभी जो इसका क्लोजिंग पार्ट है उसको हमें डिज़ाइन करना है, उसको बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको जो सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को फिर से, और जो पोजीशन प्रॉपर्टी है इसको ओपन कर लेते हैं एक बार फिर, और इसको की फ्रेम सेट करते हैं ताकि वो इतना टाइम तक स्टिल रहे। देन आगे जाते हैं फिर, और ये जो की फ्रेम था ना इसको कॉपी करके तब पेस्ट कर देते हैं।
ये हो गया रेडी। देन हमारा जो ये की फ्रेम है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और जाके इधर पेस्ट कर देते हैं। देन की फ्रेम को सिलेक्ट करते हुए की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन टाइम रिवर्स की फ्रेम। ओके, तो ये क्लोज होने के साथ साथ वो डिसअपीयर हो जाता है। अब जब क्लोज होता है तो हमें एक्सटेंड लाइन फिर से ऐड करना है, तो उसके लिए हमें ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, फिर इसको अगेन ड्रैग करते हैं ऊपर की तरफ, और जो इसका एंगल है मतलब रोटेशन का जो एंगल है उसको हमें सेट करना है 270 डिग्री पे। देन हम इसको पोजीशन कर देना है कुछ इस तरह से। हम अभी जो गाइड्स हैं हम इसके यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें एक अच्छी तरह से उसका जो है एनिमेशन है उसका व्यू मिल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बंद हुआ और ये गया, तो आई थिंक इसको थोड़ा और खींचना पड़ेगा इधर। हाँ अभी ये ठीक है, ये बंद हुआ और ये क्या, तो इसका एक और कॉपी बना लेते हैं और इसको फिर ऊपर ड्रैग करते हैं एंड इसका रोटेशन को सेट करते हैं 90 डिग्री पे। देन उसका जो पोजीशन है हमें उसको मूव करना है कुछ इस तरफ। तो ये जो बंद हुआ तो ये फिर से एक्सेंट शो किया जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक बार देखते हैं कि एनिमेशन कितना तक हुआ। तो ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ओपन, ये फिर से क्लोज, ये ओपन हुआ और फिर से क्लोज हुआ। ओके दैट्स परफेक्ट। अभी हमें क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डल लग रहा है, तो हमें उसके लिए थोड़ा इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है हम, तो उसके लिए एक नया कंपोजिशन ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं बीजी, ठीक है। और एक नया सॉलिड क्रिएट करते हैं, सॉलिड को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल वाई और थोड़ा ग्रेइश कलर कर लेते हैं। देन जो सॉलिड है उसको क्रिएट किया। अभी हम लेते हैं फ्रैक्टल नॉइज़, ये एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक इफ़ेक्ट है एंड इसको हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इधर कुछ सेटिंग्स को करना है चेंजेस ताकि वो जो हमारा डिज़ायर्ड लुक्स है वो आ जाए। तो पहले जो किया मैंने लीनियर को सेट कर लिया नॉइज़ टाइप को, और जो फ्रैक्टल टाइप है वो मैंने बेसिक रखा। फिर उसके बाद मैं क्या किया, मैं ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दिया और जो कॉन्ट्रास्ट है उसको मैंने हाई कर दिया ताकि जो ये ब्लैक पार्ट है वो ब्लैक हो जाए और भी ज़्यादा, और जो वाइट है वो सिर्फ दिखे। हमें ज़्यादा वाइट देखने की भी ज़रूरत नहीं, हमें बस थोड़ा ही चाहिए, तो वो जितना कम है तो चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम रैंडम सीट को चेंज करें तो वो चेंज होता है। अब क्या करना है, जो है स्केल को हमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो हाइट है उसको थोड़ा कम कर दिया और जो वेट उसको थोड़ा बढ़ा लिया, तो हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिल जाता है। और एंड में हमें क्या करना है, थोड़ा कंट्रास्ट को और घटा दिया और उसके बाद मैं जो रैंडम सीड है उसको थोड़ा एनिमेट करूँगा। तो उसके लिए ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कीजिए एंड जो ये है ना इसको कहते हैं एक्सप्रेशन, तो इधर जाके टाइम टाइप कीजिए, टाइम एस्ट्रिक 10, तो देख सकते हैं कि ये जो है एनिमेट हो रहा है। तो अब क्या करना है, इसका जो बीजी लेयर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये देख सकते हैं कि ये हमारा एनिमेशन रेडी हो गया। ये अच्छा लग रहा है ना कि वो थोड़ा ब्लैंक लग रहा था तो हमने थोड़ा एनिमेट कर दिया बैकग्राउंड को। तो इस तरह से आप भी एक टाइपोग्राफी एनिमेशन बना सकते हैं खुद अपने लिए। और अगर आपको लगता है कि इसका ओपेसिटी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर लीजिए तो ये और भी अच्छा हो जाता है। मिनिमल है बट ये अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले कि हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं देख सकता हूँ मैं यह हेलो टाइप किया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा हमारे जो मेन कॉम्प है उसमें भी, देखा कि ये चेंज हो गया। और जो बीच का टेक्स्ट था, जो डिज़ाइन था, उसको मैं चेंज करके करता हूँ क्रिएटिव और क्रिएटर्स, तो ये भी चेंज हो गया बहुत ही आसानी से। सो ये
होता है कि अगर आप प्री कंपोज कर लेते हैं ना कोई भी चीज़ को, तो वो आप इजीली चेंज कर सकते, जो कि आप बाद में मैं सिखाऊंगा कि कैसे टेम्पलेट्स क्रिएट करने में भी आसानी होते हैं हमको। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया है, कुछ सीखा है नया, एंड आगे और भी वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।